ये एक चाइना वाला यूपीएस है, आप देख सकते हैं कि ये बैकअप मोड में अभी काम कर रहा है। बैकअप मोड में बिल्कुल सही काम करता है, लेकिन जब इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये चार्ज नहीं करता, दिखाता है चार्जिंग ये। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका ये मसला कैसे हल करना है, इसकी चार्जिंग को कैसे ठीक करना है। अभी ये बैकअप मोड में है तो अभी मैं इसका पावर प्लग लगाता हूँ और ये चार्जिंग मोड पे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग शो कर रहा है, तो ग्रीन लाइट इसकी जल रही है, ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है चार्ज कर रहा है ये। लेकिन अगर हम मीटर को देखें तो ये देखें, मीटर के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसका मतलब है ये चार्जिंग एम्प नहीं है इसमें, इतने चार्जिंग एम्पेयर चार्जिंग नहीं हो रही बैटरी सही तरीके से, जिसकी वजह से वोल्टेज बैटरी के ऊपर तब्दील नहीं हो रहे, नहीं बढ़ रहे हैं और एक ही जगह पे रुके हुए हैं। हालांकि यूपीएस चार्जिंग शो कर रहा है, देखते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है। पहले हम इसको पावर से डिस्कनेक्ट करते हैं और इसको पावर ऑफ करते हैं पावर स्विच से। इसके वो मैंने इसके खोल लिए हैं, तो इसका कवर उतारता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहीं इसका हीट सिंक वगैरह गर्म तो नहीं है, गर्म कौन से पार्ट्स हैं, जले हुए कौन से पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो बज़ाहिर ऊपर से देखने से हमें कोई इसका कंपोनेंट जला हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको हाथ लगा के देखते हैं कि कोई एरिया गर्म तो नहीं है। अमूमन ऐसा होता है, हाँ ये इसका हीट सिंक गर्म है क्योंकि इसके ऊपर ये मॉस्फेट लगे हुए हैं, चार्जिंग वाले मॉस्फेट K4115 जो कि चार्जिंग करते हैं। तो अब ये गर्म है, इसका मतलब है ये चार्जिंग की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चार्जिंग एम्पेयर आगे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि इसके स्नपर सर्किट जो कि स्विच मोड पावर सप्लाई में होता है उसमें फॉल्ट है। और हाँ, अगर आप देखें तो ये इसका स्नपर सर्किट है, ये रजिस्टर, ये पीएफ कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर में एक डायोड, और ये इसका सेरामिक कैपेसिटर जो है ये ख़राब नज़र आ रहा है, जला हुआ भी नज़र आ रहा है। तो हम इसको खोल के चेक करते हैं कि क्या क्या जला हुआ है मीटर से भी। हमें इसका स्नपर सर्किट चेक करना है, जो कि अगर आप देखें तो ये इसका रजिस्टर है बड़ा, इसकी वैल्यू उसके ऊपर लिखी होती है 10K, और उसके साथ में सेरामिक कैपेसिटर है और उसके साथ में डायोड है। तो हमें इन तीनों कंपोनेंट्स को चेक करना होगा, रेजिस्टर, सेरामिक कैपेसिटर और डायोड। तो पहले हम डायोड को चेक करते हैं। ये इसका रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये इसका डायोड है यहाँ पे, और डायोड शार्ट बता रहा है इसका। ये इसका रेजिस्टर है जो कि मॉस्फेट के सोर्स से ड्रेन पर लगा हुआ है ये, और उसके साथ में ये एक छोटा सेरामिक कैपेसिटर है, ये उसके साथ एक अलग से कैपेसिटर है, और ये इसका देखें तो ये डायोड है, ये एक सेरामिक कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है, और ये सारे शॉर्ट बता रहे हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि ये कंपोनेंट पीसीबी में लगे हुए हैं, तो हमें इनको निकालना पड़ेगा पहले टेस्ट करने के लिए।
हमने इसके डायोड और कैपेसिटर तब्दील कर दिया है और अभी ये बैकअप मोड पे चल रहा है जिसे, और अभी हम इसको टेस्ट करते हैं चार्जिंग पे लगा के। तो अभी मैं इसका पावर बटन ऑन करूँगा, पावर स्विच बिजली का मैंने स्विच ऑन कर दिया है, तो आप देखेंगे इसके चार्जिंग वोल्टेज बैटरी के इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब अब चार्जिंग हो रही है। और जो मसला था चार्जिंग एम्पियर ना होने का, वो हल हो चुका है। तो मैं आप लोगों को चार्जिंग एम्पियर भी अभी चेक करवा देता हूँ इसके। तो ये एम्पियर मीटर है, मैं इसको चार्जिंग को ऑन करता हूँ और ये आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें आप, चार्जिंग हो रही है, साथ में वोल्टेज भी बढ़ रहे हैं और मीटर चार्जिंग एम्पियर भी शो कर रहा है। अगर स्नैपर सर्किट इसका सही हो तो फिर आईसी में मसला हो सकता है UC3843, लेकिन क्योंकि ये यूपीएस पहले बैकअप मोड में ठीक काम कर रहा था, तो जब बैकअप मोड पे यूपीएस ठीक काम कर रहा हो तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि स्नैपर सर्किट में फॉल्ट होगा। We'll be right back.